जो भी विपक्ष की ओर से पीछे सरकार को अस्थिर करने के लिए और उनका जो विपक्ष का जो अस्थिर करने को सोचा है, यह हमारे गठबंधन सरकार उसका काम के माध्यम से उसको हम लोग आईना दिखाने का काम करेंगे। जो हाँ आज क्या निर्णय लिया गया मुख्यमंत्री जी, जल्दी हम लोग करेंगे फ्लोर टेस्ट। विधायकों को हैदराबाद भेजा गया है। मुख्यमंत्री जी, क्या ऐसी मजबूरी रही कि सभी विधायकों को यहाँ से हैदराबाद आपको शिफ्ट करना पड़ रहा? कोई मजबूरी नहीं आई, थोड़ा हैदराबाद से दूंगा आएगा, बाकी ठप ठीक है। मुख्यमंत्री जी, आज क्या निर्णय लिया कैबिनेट ने, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आपने लिया? सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली? सुप्रीम कोर्ट में आज पहला कैबिनेट है हमारा, और पहला कैबिनेट में हम लोग जो नियम के अनुसार विधानसभा आउट था 9 तारीख से जी, उसको विलोपित करके नया से हम लोग करेंगे, आप लोग के बीच आ जाएगा। कोई डेट तय किया? डेट तय किया आपने 5 तारीख का को कर रहे हैं क्या? और फ्लोर टेस्ट भी हम लोग बहुत जल्दी 1-2 दिन के बाद ही कर देंगे। दुमका भी जा रहे हैं क्या अभी? राहुल गांधी की दिया यात्रा में शामिल होंगे? राहुल गांधी के साथ मुलाकात? अभी हम राहुल गांधी थोड़ा जोर से बोलिए, राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होंगे और झारखंड दिवस दुमका में शामिल होंगे। हेमंत सोरेन जी से भी मिलने जाएंगे आप? मिलेंगे। हमारा ईडी ने हालांकि कस्टडी में ले लिया है, हमारा दल का नेता है और उनका कामकाज के प्रेम में बहुत उतार चढ़ाव के बीच में सबसे बढ़िया काम किया हेमंत सोरेन ने। यहाँ का विकास के ऐसे ऐसे योजना ने शुरुआत किया है हेमंत सोरेन ने, दूसरों राज को उसको अपनाना पड़ा है, इसीलिए हमारा एक युवा सम्राट करमवीर हेमंत सोरेन न्याय की लड़ाई में है, निश्चित सफल होंगे। ठीक है, शुक्रिया। देखिए, ये मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जो है अभी यहाँ से अब दुमका के लिए रवाना हो गए हैं और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रोजेक्ट मंत्रालय के बाहर से कि किस तरह से, देखिए यहाँ मंत्री हैं आलमगीर आलम, मंत्री सत्यानंद भोक्ता और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन फोन पर यहाँ बातचीत कर रहे हैं और इसके बाद जैसा कि इन्होंने बताया कि सीधा यहाँ से दुमका के लिए रवाना होंगे। तो ये सबसे पहली तस्वीर शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने के बाद, शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अब यहाँ से जा रहे हैं, दुमका के लिए रवाना हो रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, गाड़ी पर सवार हो रहे हैं मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और यहाँ से सीधा अब जाएंगे दुमका के लिए। ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए कि यहाँ से प्रोजेक्ट मंत्रालय से निकल गए हैं, सामने सत्यानंद भोक्ता बैठे हैं, पीछे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और मंत्री आलमगीर आलम, और यहाँ से जैसा कि उन्होंने बताया कि दुमका वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यक्रम में शामिल होंगे, राहुल गांधी के भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये पूरा कारकेट आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब यहाँ से निकल चुका है, कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और कैबिनेट की बैठक में विशेष सत्र पर भी निर्णय लिया गया है जैसा कि बताया चंपई सोरेन ने। और देखिए, ये पूरा कारकेट इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड मंत्रालय से जो है निकल रहा है। रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता भी यहाँ पहुँचे हैं, मंत्री मुख्यमंत्री सभी का कारकेट एक एक करके यहाँ से निकल रहा है। तो ये लाइव तस्वीर और लाइव बातचीत जो है सबसे पहले हम लोगों ने आपको दिखाई कि किस तरह से मुख्यमंत्री जो है वो क्या बोलेंगे, आप लोग क्या बोलेंगे मुख्यमंत्री बन गए चंपई सोरेन जी?
बहुत अच्छा है, बहुत खुशी की बात है दादा। आप लोग बधाई देने के लिए आए थे? जी जी जी। क्या क्या बोलेंगे आप लोग, कहाँ से आए हैं? एक हम लोग सरायकेला विधानसभा से आए हैं और एक गरीब का बेटा, एक मामूली व्यक्ति जो थे हमारे चंपाई सोरेन जी, उनको आज सीएम का पद मिला, जिससे चलते पूरा सरायकेला विधानसभा खुशी की लहर है। और चंपाई सोरेन एक बार चुनाव हारे थे और जब से चुनाव वो लड़ रहे हैं, वो शहरी क्षेत्र में भी उनको अधिक से अधिक मात्रा में वोट देता है और वो हम लोग का खुशी की लहर है पूरा सरायकेला विधानसभा में। बस यही बोलना चाहेंगे। क्या इनको कोल्हान टाइगर क्यों बोला जाता है? कोल्हान टाइगर इसलिए बोला जाता है कि ये जितना बार लड़े हैं उतना बार जीते हुए। जब वो विधायक नहीं थे तब वो टाटा कंपनी में मजदूरों के लिए संघर्ष करके उन्होंने 1600 व्यक्ति को नौकरी कराया था। वो टाटा कंपनी एक गवर्नमेंट जॉब से भी बड़ा जॉब माना जाता है, उसमें हमारे आदिवासी मूलवासी को नौकरी कराया गया था। उसीलिए चंपाई सोरेन वो मशहूर है और समय से टाइगर बोला जाता है। इसी समय से हम लोग उसको टाइगर के रूप में जानते हैं। अभी आए हैं बधाई देने के लिए? हाँ सर। तब चल, हाँ सर, वहाँ पूरा ढोल नगाड़ा बज रहा है। हाँ बज रहा, खुशी से बज रहा। बुके लेकर आए थे क्या? हाँ भाई, देने के लिए। हम लोग थोड़ा लेट हो गया, क्या करोगे, 5 मिनट लेट हो गया। बिल्कुल देखिए, ये भरत बढ़ई जी भी हैं, जैक के मेंबर, यहाँ पर बधाई देने के लिए आए हैं। क्या कहने के लिए आए थे बढ़ई जी? मैं प्रोफेसर भरत बढ़ई, जैक बोर्ड का सदस्य मेंबर हूँ। आज मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि एक आंदोलनकारी आज मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं और उनसे झारखंड वासियों को बहुत सी आशाएं हैं। और जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो बचा हुआ काम है, वो जन आकांक्षाओं को हम लोग विश्वास करते हैं, उम्मीद करते हैं कि उसको आगे ले जाए और जल्द से जल्द उसको पूरा करने का प्रयास करें। बिल्कुल देखिए, ये तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं बधाई देने के लिए। संजय, मुख्यमंत्री तो बहुत लंबा ही बोले एक तरह से, इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना बोलेंगे, लेकिन खुलकर उन्होंने बताई सारी बातें। वो क्या बोले कि विशेष सत्र को लेकर फैसला लिया गया है? देखिए, विशेष सत्र बुलाया जाएगा जल्द और उसको लेकर के जो है मीडिया में सार्वजनिक किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक समाप्त हुई, कैबिनेट में क्या कुछ उन्होंने निर्णय लिया इसकी जानकारी उन्होंने नहीं दिया। लेकिन जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री जी क्या कुछ हुआ है पहली कैबिनेट में और विशेष सत्र को लेकर के क्या कुछ है, बहुमत कब आप साबित करने जा रहे हैं, तो उन्होंने बकायदा बोला कि बहुत जल्द 2 से 3 दिनों के अंदर जो है बहुमत साबित हम लोग कर लेंगे। तो ये जाहिर सी बात है कि 5 के आसपास ही या 5 फरवरी को ही जो है विशेष सत्र बुलाया जाए। हो सकता है कि देर शाम जो है मीडिया को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से इसकी जानकारी भी मिल जाए, लेकिन डेट जो है क्लियर नहीं किया गया अब तक। हाँ, एक जानकारी मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने दिया कि ये जो 9 फरवरी से जो बजट सत्र बुलाया गया था उसको विलोपित कर दिया गया है 1 तारीख, मतलब कि 9 फरवरी से अब वो सत्र नहीं होगा, नए सिरे से उसकी जानकारी दी जाएगी कि कब से जो है बजट सत्र होगा। एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो उनके बातचीत में लगा, एक तो वो लंबा इतना कभी उन्होंने बयान दिया नहीं, बहुत कम बोलते हैं चंपई सोरेन, अपनी बातें बहुत कम शब्दों में रख करके निकल जाते हैं। वो कैबिनेट की बैठक के बाद जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे, जो दर्शक देख पा रहे होंगे, वो थोड़े भावुक भी दिखे और बकायदा वो जो 5-7 मिनट जो बातचीत की उन्होंने, उसमें कम से कम 20 बार हेमंत सोरेन का नाम का जिक्र किया और बकायदा उन्होंने बताया कि वो पार्टी के नेता हैं और उनसे भी मिलने जाएंगे। आप जैसा कि मैं बता रहा हूँ, चंपई सोरेन ने बकायदा कहा कि हेमंत सोरेन से भी वो मुलाकात करने जाएंगे, लेकिन वो कब मुलाकात होगी ये तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि आज से 5 दिन का रिमांड पे ईडी ने ले रखा है हेमंत सोरेन को। तो हो सकता है कि रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद जो है वो मुलाकात करने जाएं। और बार बार वो ये बोल रहे थे कि हेमंत सोरेन के जो विचार रहे हैं और जो 4 साल में उनकी जो कार्य योजना रही और जिस दिशा में वो राज्य को ले जाना चाहते हैं उसी के हिसाब से काम करेंगे। तो आप देखिए कि ये बड़ी बात जो चंपई सोरेन बतौर मुख्यमंत्री पहली कैबिनेट के बाद जब वो मीडिया को संबोधित कर रहे थे तो बकायदा उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन योद्धा हैं और योद्धा की तरह वो लड़ाई लड़ रहे हैं, विपक्षी पार्टियों को साजिशन एक षड्यंत्र के तहत जो है ये काम किया जा रहा है और हेमंत सोरेन को फंसाया गया है। ये चंपई सोरेन बोल रहे थे जो राज्य के नए मुख्यमंत्री हैं। और बकायदा आप देखिए कि जिस तरीके से
वो आज पहली कैबिनेट के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए जिस लाइन पे वो बोल रहे थे उससे स्पष्ट है कि हेमंत सोरेन की नीतियों को ही चंपाई सोरेन की सरकार आगे बढ़ाएगी। चंपाई सोरेन उसी दिशा में काम करेंगे, जैसा कि बार बार वो कैमरे के सामने भी बोल रहे थे, थोड़े भावुक भी थे। अभी यहाँ से वो निकल रहे हैं, दुमका जाएंगे, राहुल गांधी की जो यात्रा यहाँ प्रवेश की है झारखंड में, राहुल गांधी से मुलाकात भी करनी है उन्हें। तो बिल्कुल, ये कैबिनेट की बैठक जैसे ही खत्म हुई, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मीडिया से बातचीत की और तमाम बातें बताई। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो दुमका भी जाएंगे, राहुल गांधी से भी मुलाकात करेंगे, हेमंत सोरेन से भी मुलाकात करेंगे। अब रांची में पिछले कुछ दिनों से जो लगातार बहुत जोर से हलचल चल रही थी वो बिल्कुल थम्स आ गया है, क्योंकि सभी विधायक हैदराबाद चले गए, मुख्यमंत्री और मंत्री अब दुमका चले जाएंगे, तो रांची जो है अब कुछ दिन आराम से। रांची में आज बीजेपी की एक्टिविटी है, विधायक दल की बैठक क्यों बुलाई गई है? अब जिस जो परिस्थितियां झारखंड में बनी है राजनीतिक तौर पे, उसको फ्लोर टेस्ट होगा तो उस समय क्या करना बिल्कुल है, फ्लोर टेस्ट। अब चूंकि आप देखिए कि राज्यपाल ने बाकायदा आमंत्रण के साथ ये भी कहा है कि आपको फ्लोर टेस्ट करा लेना है 10 दिन के अंदर, तो जो परिस्थितियां बनी है उसके मुताबिक बीजेपी चूंकि मुख्य विपक्षी पार्टी है तो वो अपने हिसाब से अपना रणनीति बना रही है। और यही वजह है कि आप देखिए, आप जो बोल रहे हैं सनी कि सब कुछ थम सा गया है, नॉर्मल सा है, तो नॉर्मल सा अभी कुछ भी नहीं है। अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो हैदराबाद विधायकों को नहीं ले जाया जाता। तो अभी जब तक कि फ्लोर टेस्ट नहीं हो जाए तो बेचैनी इधर भी है सत्ता पक्ष के तरफ भी, और जो मुख्य विपक्षी पार्टी है बीजेपी उधर भी बेचैनी है। आप देखिए कि भाजपा के नेता भी लगातार इन सारे मसलों पे नज़र बनाए हुए हैं, लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं, लगातार जो है बयानबाजी हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी और ये तब तक चलेंगी जब तक कि फ्लोर टेस्ट नहीं हो जाए। अभी हो सकता है कि ये बयान या फिर मंत्री पद को लेकर के दावेदारी का जो है संबंधित बयान भी जो है शुरू हो जाए, तो अभी तो थोड़ा इंतजार भी नज़र बनाए रखिए और हम लोग भी नज़र बनाए हुए हैं और पल पल की खबर आप तक पहुँचाते रहेंगे। शुक्रिया।